सब्सक्राइब करें घसेरी चैनल और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल दबाएं नए वीडियो देखने के लिए। घसेरी के सभी साथियों को धर्मेंद्र पंत का नमस्कार। साथियों, आज हम आपको जौनसार ले चलते हैं और सुनाते हैं वहां की एक लोक कहानी, पहले गढ़वाली और फिर हिंदी में। इस कहानी में बताया गया है कि शराब की शुरुआत कैसे हुई थी। पहले अजमन मनिक बहुत कम छौ, यान यमराज थे कि मुँह को हिसाब किताब रखण में ज्यादा परेशानी नहीं आँदी छे। यमराज दिखुद छौ कि मन थमब कह का दिन पूरा होगी, अर वो उख बिटी टेम पर अपना यमदूत थे कि तौल भेज दीन तो छौ। फिर करमुख हिसाब किताब दिखे जान छाए, अर वे के हिसाब से वे मनिक ते स्वर्ग या नरक भेजे जान छाए। यानी एक दिन एक मिस्त्री की बारी आएगी। वो मिस्त्री जन्यू मन्यू कारीगर छो, वे का लकड़ों से एक सुंदर घर बनाया छाए। पर वे थे भी पता छो कि एक दिन मंत बिटी जान पूर्ण अरियान वे कु वहां को भी बंदोबस्त करियो छो। वे का एक मोट डाल का प्याट 20 मंजिलो कूड़ बनायो छो। यमराजन अपना द्वि दूत थे आदेश दे कि तुमन आज वे मिस्त्र थे मंत बिटी लेके आओ। द्वि अयम दूत उन बोल जो आज्ञा महाराज, अर पैट गए मिस्त्री का गौ। मिस्त्री अपना काम में लग्यो छो। तभी यमदूत उखमैन अरुण बोली, हम यमदूत छो, तेरु ई मंतम अब टेम पूर होएगे, हम तुई ते ले जानो आया छो। मिस्त्री घबरे नीच, वेन आराम से बोल, मी थे थोड़ा टाइम तो देला, मेरु अब खुनी एक 20 मंजिला कूड बनायो छ, मी एक दो वे थे दिखन चाणू छो। यमदूत उन बोली, चल हम इतना टाइम तो तुई थे दे ही दी दो। अब मिस्त्री बोली, चलो ना तुम भी देख लिया जरा मेरी कारीगरी। यमदूत उन बोल, किले ना चल हम भी चल दो तुई दगड़। यमदूत 20 मंजिला कूड़ा का भीतर गए न तो वे थे दिख दे रहेगी, क्या कारीगरी छे कहीं वे की, आज तक मुन या कूड़ नहीं देखो छो, न स्वर्ग में न नरक में न मंथम। वो तौल बिटी मात और फिर मात चढ़ गए, वो भूल गए न कि वो कह काम से ही कया छाए। मिस्त्रित या निमो का चाणू छाए, वो इन फटा फट सभी 20 मंजिल का दरवाजा बंद करी न और झट से बाहर निकल गए। यमदूत डाला का प्याट 20 मंजिला कूड़म फंस गए। मिस्त्री फिर अपना नौना बालों दगड़ दिन कटन बैठ गए। अब साहब यमलोकम यमराज परेशान, वो हिसाब लगाना पर द्वि दूत अपन काम कह रही की ऐ नी छन। यमराजन अपनी पोथड़ी देखी तो पता चली कि वो द्वि मिस्त्री थे कि लीणो जया छाई, पर लौट नी छन। यमराजन द्वि दूत ऊंक पता कनो भेजी, पर ऊंक कोई अता पता नहीं चालू। यमराजन बोली, ये मिस्त्री कोई ना कोई चाल चली। यमदूत उन बणी बणी का भेस रखी, मिस्त्री छाल पर वेन कुछ नहीं बताए। अब यमराज भी सोच में पड़िए। यमराजन बोल कि खान पीने यन कोई चीज बनावा जा खाए कि वो मिस्त्री सच बोल दिया। एक यमदूतन बोली, यन पीने चीज तो सूरज। अब यमराज का 8 दूत मनिक बणी की पहुंच गेन मिस्त्री का गांव मा। उन बोली कि हम दूर परदेश बिटी आया छवा और हम अन्न धन की कोई कमी नीच, हम तुम लोग से खुश छो और यान आज रात हम तुम खुणी झल कर खान पीणों को प्रबंध करना छो। गांव वाला खुश होगी। उख यमदूत उन खूब शराब बाट। गांव वालों उन पहली बार चख छे सुरा यानी शराब, रंग मत होगी। यू मो मिस्त्री भी छो, सभी अपनी अपनी बत्ता उगलन बैठ गई। कोई अपनी बड़े कोनू तो कोई फुंदनाथ बनियो। दारू कुछ घड़ी खुणे सब थे कि सब कुछ बनाए दींद। तो अच्छे मिस्त्री पिछने कनी कह रहे दू। वैन बोली, अबे तुम क्या छो मेरी समीणी, जो मिन काय वंत तुम कोई कह ही नहीं सकदा। सबुन बोली, यनु क्या काय भाई तीन। मिस्त्री चौड़ी छाती के बोली, अब तुम थे क्या पता मेरु डाला प्याट 20 मंजिला कूड़ बनायो। यमदूत मी थे ली जानो एन
अरमिन वो डाला प्याट वे कूड़ा पुटुक गुटिया दीन वो अभी उकी तड़पणा होला। बस इतगा सुन दे मनिक बनिया यमदूत वो पकड़ दे वे थे डाला समेट लीजे कि दरवाजा खुले न और द्वी यमदूत थे बाहर निकाली। अब वो दस छाय उन तुरंत ही मिस्त्री का प्राण निकल दिन और पहुंच गीन यमराज का समिणी। यमराजन बोली अच्छा तो तू छे वो कारीगर जैन मेरा दूत भी छके दीन वंत तुई जन कारीगर स्वर्गम चैणा छन पर तुई थे दारू भी चैणी हुई और फिर तुई थे कि तेरा कर्म की सजा भी तो देन यान तू अभी नरक जो। तो साफ बात यंच कि मिस्त्री दारू पे की पहुंच गए नरक में और यमराजन भी वे थे पकड़ना का चक्कर में मनुखु थे कि पीणु सिकह दे। अर अब हाल ये छिन कि गांव में दारू बाजार में दारू 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 हुई च। नमस्कार पहलाक। अब सुनते हैं यही कहानी हिंदी में। यह उस समय की बात है जब जनसंख्या अधिक नहीं थी और यमराज को भी मनुष्यों का लेखा जोखा रखने में परेशानी नहीं होती थी। यमराज को पता रहता था कि किस व्यक्ति के धरती पर दिन पूरे हो गए और वह यमलोक से यमदूतों को उसको लाने के लिए भेज देते थे। उसके बाद व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग या नरक भेजा जाता था। इसी तरह से एक दिन एक बढ़ई की बारी आ गई। इस बढ़ई ने लकड़ियों से बढ़कर एक मकान बना रखे थे। उसे भी पता था कि एक दिन यह धरती छोड़नी पड़ेगी, लेकिन उसने इसके लिए भी व्यवस्था कर रखी थी। उसने एक बड़े और मोटे पेड़ के अंदर 20 मंजिला मकान बना रखा था। बढ़ई की यमलोक जाने की बारी आई तो यमराज ने अपने दो दूतों को उसे लाने के लिए भेजा। दोनों दूत आज्ञा लेकर पहुंच गए बढ़ई के गांव में। बढ़ई अपने काम में व्यस्त था। तभी यमदूत वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा, हम यमदूत हैं, तुम्हारे इस धरती पर अब दिन पूरे हो गए हैं, हम तेरे प्राण ले जाने के लिए यहां आए हुए हैं। बढ़ई घबराया नहीं, उसने धैर्य पूर्वक कहा, मुझे थोड़ा समय तो दोगे, मैंने अपने लिए एक 20 मंजिला मकान बना रखा है और एक बार मैं उसे देखना चाहता हूँ। यमदूतों ने कहा, इतना समय तो हम तुम्हें दे ही सकते हैं। बढ़ई ने कहा, चलो एक बार आप भी मेरी कारीगरी का नमूना देख लो। यमदूत तैयार हो गए। यमदूत 20 मंजिला मकान के अंदर गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। कारीगरी की अद्भुत मिसाल था वह मकान। वे मकान की सुंदरता में खो गए और ऊपरी मंजिलों पर चढ़ते रहे। वे अपना काम भूल गए। बढ़ई तो बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने फटाफट सभी 20 मंजिलों के दरवाजे बंद किए और बाहर निकल आया। यमदूत पेड़ के अंदर 20 मंजिला मकान में फंस गए। बढ़ई फिर अपने परिवार के साथ दिन बिताने लगा। उधर यमलोक में यमराज परेशान हो गए। वह हिसाब लगा रहे थे लेकिन दो दूत अपना काम करके नहीं लौटे थे। उन्होंने अपनी पुस्तिका निकाली और पाया कि जो दूत बढ़ई को लेने गए थे वे अभी तक लौटे नहीं। यमराज ने दो अन्य दूतों को उनका पता करने के लिए भेजा, लेकिन वे भी कुछ पता नहीं कर पाए। यमराज ने कहा, बढ़ई ने कोई चाल तो नहीं चली। यमदूतों ने कई तरह के भेष बनाकर बढ़ई से सच्चाई उगलवानी चाही, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। अब तो यमराज भी सोच में पड़ गए। यमराज ने कहा कि खाने पीने की कोई ऐसी वस्तु बताओ जिसे खाकर वह बढ़ई सच उगल दे। एक यमदूत ने कहा, ऐसी वस्तु तो सुरा है महाराज। यमराज के 8 दूत इंसान के भेष में पहुंच गए बढ़ई के गांव में। उन्होंने गांव वालों से कहा
कि वे बहुत दूर प्रदेश से आए हैं, उनके पास अन्न धन की कमी नहीं है, वे गांव वालों की आव भगत से खुश हैं और इसलिए रात में उनके लिए उत्सव और भोजन का आयोजन कर रहे हैं। इसमें खाना पीना ही नहीं, गीत नृत्य सब कुछ होगा। गांव वाले खुश हो गए। उस पार्टी में यमदूतों ने खूब शराब परोसा। गांव वालों ने भी पहली बार शराब का स्वाद चखा था। वे उसे पीकर झूमने लगे। उनमें वह बढ़ई भी शामिल था। अब हर कोई अपने कारनामों की गाथा सुनाने लगे। कोई अपनी प्रशंसा करता तो कोई समझता कि वह इस समय दुनिया का राजा है। बढ़ई कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने कहा, अरे तुम लोगों की मेरे सामने क्या बिसात, जो काम मैंने किया वैसा काम कोई नहीं कर सकता है। सभी ने पूछा, ऐसा क्या काम किया है भाई तूने? बढ़ई ने सीना फुलाकर कहा, तुम लोगों को क्या पता, मैंने पेड़ के अंदर 20 मंजिला मकान बना रखा है। यमदूत मुझे ले जाने के लिए आए तो मैंने उन्हें पेड़ के अंदर उस मकान में बंद कर दिया। अब वे वहीं तड़प रहे होंगे। इतना सुनते ही इंसान बने यमदूतों ने उसे पकड़ लिया। उसे पेड़ के सामने ले गए। उससे मकान के दरवाजे खुलवाकर यमदूतों को बाहर निकाला। अब वे 10 थे। उन्होंने तुरंत ही बढ़ई के प्राण निकाले और पहुंच गए यमराज के पास। यमराज ने कहा, अच्छा तो तू है वह कारीगर जिसने मेरे दूतों को भी चकमा दे दिया। वैसे तो तुझ जैसे कारीगर की स्वर्ग में जरूरत है, लेकिन तुझे शराब भी तो चाहिए होगी और तुझे तेरे कर्मों की सजा भी देनी है, इसलिए तू अभी नरक लोक में जाएगा। तो बात ऐसी है कि बढ़ई शराब पीकर पहुंच गया नरक लोक में और उसे पकड़ने के चक्कर में यमराज ने इंसानों को सुरा का दीवाना बना दिया। कहानी कैसे लगी जरूर बताएं। नमस्कार।